हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिंक्डइन के बारे में कि क्या आपको वहाँ पे फायदे मिल सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल होती है तो, किस तरह से आप जॉब सर्च कर सकते हो वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन जॉब सर्च करने में भी ये प्लेटफॉर्म बेनिफिशियल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले चैनल पर जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आपके कमेंट्स पे से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपने कहा था कि लिंक्डइन पे अच्छी खासी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें वाइडली देखने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। और हाँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो भी आप में से गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हो या जॉब या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसमें करंट अफेयर्स टॉपिक आता है। हमने डेली 2 लाइव सेशंस कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। वेल अकेडमी करंट अफेयर्स करके चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के लिए ये सेशन शुरू किया हुआ है। नाउ मैं बात करता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, मतलब मेरी प्रोफाइल पे मैं आपको सारी चीज़ें 1x1 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सारे पॉइंट्स को थोड़ा 1x1 डिस्कस कर लेते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल में कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक क्या रहती है, फिर आपके पास स्किल्स क्या है उसको रिप्रेजेंट करना है, एक समरी अच्छी खासी कैसे बनानी है, फिर रिकमेंडेशन किस तरह से मांगे जाते हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप अगर हो सके तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओ या फिर अपनी नोटबुक के साथ बैठ जाओ, उसमें आप नोट डाउन कर लेना कि क्या चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों का 1x1 हम यहाँ पे एडिट वगैरह करके देखेंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से किया जाता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक ओपन रखी है तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दो, 2500 का टारगेट रखते हैं और अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पहला आपको स्क्रीन पे मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी जिसमें आपको मेरा पिक नज़र आ रहा होगा। बैकग्राउंड में एक पेपर और एक इरेजर टाइप की आपको प्रोफाइल दिख रही होगी। नाउ सीधा यहाँ पे मैं आप आगे बढ़ता हूँ तो आप मेरी प्रोफाइल में किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल पिक जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको एडिट किस तरह से करना है और ये प्रोफाइल पिक का आपको खास ध्यान रखना है। खास ध्यान मतलब क्या रखना है पता है, कि आप जब भी प्रोफाइल पिक रखते हो ना तो इसमें आपके वेडिंग के फोटोग्राफ्स या फिर आपके मॉडलिंग के फोटोग्राफ्स, इधर उधर देखने वाले फोटोग्राफ्स वो नहीं रखने हैं। आपको कैसे फोटोज रखने हैं, तो आपको वो फोटोज रखने हैं जो आप प्रोफेशनली क्लिक किए हो। दैट मीन्स स्कूल के आईडी कार्ड में कैसे हम स्टूडियो में जाके स्पेशल पिक क्लिक करवाते थे, वैसे ही हो सके तो लिंक्डइन के लिए खास अलग से पिक क्लिक करवाओ। आप अगर देख रहे हो तो इस स्क्रीन पे आपको बड़ी स्क्रीन में फोटो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आपने मेरे फोटो में नोटिस किया हो तो मेरा फेस क्लियर है, मैं कैमरा के सामने देख रहा हूँ, बैकग्राउंड क्लीन है और मैं हंस रहा हूँ। दैट मीन्स अ स्माइलिंग फेस आपकी प्रोफाइल में एक पॉजिटिविटी लाता है और जो भी क्लिक करने वाला होगा वो ये देखेगा कि आप कैसे दिखते हो, आपका फेस कैसा है और आप स्माइल कर रहे हो। स्माइलिंग पिक इज अ नीड। और ऐसा नहीं कि पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे बैठे हो वैसे क्लिक करना है, एक सिंपल सा फॉर्मल कपड़ों में क्लिक करना है। मैं जानता हूँ मेरे फॉर्मल कपड़े नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब सर्च के लिए मैंने प्रोफाइल नहीं बनाई हुई है, मेरी एक प्रोफेशनल प्रेजेंस रहे इसीलिए मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैंने ऐसा रखा हुआ है। आप प्रोफेशनल पिक में एक फॉर्मल कपड़ों में रखिए, मतलब एक अच्छा शर्ट, फॉर्मल शर्ट होना चाहिए तो अच्छी प्रेजेंस देता है और पिक क्लियर रहे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो, मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है। आपका यहाँ पे फोटो कैमरा के सामने देखने वाले हो क्योंकि आप जॉब एस्पिरेंट हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। किस तरह से एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको प्रोफाइल पे एडिट करना है। ठीक है, तो आप सिंपल है एडिट कर सकते हो। और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करते हैं अब। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें सिंपल सा बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करती हुई सिंपल सी चीज़ रखना जो इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करें, मतलब प्रोफाइल को भरचक ना बना दे। सिंपल सा एक पिक हो, मैंने इरेजर एंड पेपर रखा हुआ है और पेंसिल भी है, अगर आप नोटिस करो तो पेंसिल भी है, लेकिन मेरे प्रोफाइल पिक के पीछे चली जाती है। ये मेरा एजुकेशनल प्रोफाइल है, मेरी एजुकेशनल कंपनी रिप्रेजेंट करता है, तो कनेक्शन हो ऐसा आपको रखना है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली लिंक्डइन पे। सबसे पहले हम प्रोफाइल किस तरह से बनानी, प्रोफाइल फोटो किस तरह से रखना है उसके बारे में हमने बात कर ली, तो उसको आपको सेव कर लेना है।
एंड बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन, अगर आप मेरी हेडलाइन को यहाँ पे पढ़ रहे हो तो लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ वेल एकेडमी, दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेगा, दैट मीन्स मैंने वेल एकेडमी का मैं फाउंडर हूँ और मुझे यही चीज़ बतानी है, इसलिए मैंने रखी है। अब आपको मैं बता देता हूँ इससे पहले मेरी हेडलाइन क्या थी। जब मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था तो मैंने यहाँ पे हेडलाइन रखी थी रिएक्ट नेटिव डेवलपर। तो रिएक्ट नेटिव डेवलपर मैंने क्यों रखा था, मान लो कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल उठ के मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए सेट की थी। और आपको शायद यहाँ पे पता ना हो, मैंने शेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन रिसेंटली मैंने जब लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन की तो मेरे पास दो मैसेज इनबॉक्स में जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था आप रिएक्ट नेटिव में जॉब अपग्रेड चाहते हो या फिर आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप अपना रिज्यूम ड्रॉप कीजिए और हम चाहते हैं आपका एक इंटरव्यू। तो ये ऐसे दो मैसेजेस मुझे दिखे थे मेरी प्रोफाइल में, लेकिन क्यों, जब मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव डेवलपर लिखा था मैंने प्रिसाइजली वही चीज़ लिखी थी जिसमें मैं अच्छा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, तब मैंने ये चीज़ नहीं रखी थी। लेकिन जो कि अब मैं वेल एकेडमी का फाउंडर हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी है लेकिन मेरी अपनी प्रेजेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स है तो मैंने इन्फ्लुएंसर यूट्यूब 800K जो फॉलोअर्स है वो मैंने रखे हुए हैं, एजुकेटर जो कि मैं पढ़ाता हूँ वेल एकेडमी पे, फ्री लेक्चर्स अगर आप नहीं देख रहे हो तो वेल एकेडमी विजिट कर लेना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे करियर काउंसलर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने काउंसलिंग भी की हुई है तो वो भी मैंने रखा हुआ है। साथ ही साथ मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैंने हेडलाइन में दो लाइन में मैंने अपने बारे में मैं क्या हूँ उसके बारे में डिटेल में, मतलब डिटेल तो नहीं कह सकते, शॉर्ट एंड स्वीट वे में बता दिया। आपकी हेडलाइन इतनी लंबी होना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो होनी चाहिए जो सर्च कर सके, मतलब अगर किसी को सर्च करना हो फाउंडर ऑफ वेल एकेडमी कौन है तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड्रॉयड डेवलपर हो तो हेडलाइन में ये चीज़ रखनी है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखते हो तो आपको वो हेडलाइन रखनी है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपकी जो पोजिशन है वो भी आप यहाँ पर हेडलाइन में रख सकते हो, क्योंकि पोजिशन वाइज भी सर्च किया जाता है। जैसे कि एक आप सीनियर एनालिस्ट हो तो सीनियर एनालिस्ट एट सो एंड सो कंपनी, ऐसा आप यहाँ पे सर्च में रख सकते हो जो आपकी सर्च में विजिबिलिटी दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना कि हेडलाइन किस तरह से रखनी है, हेडलाइन बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो नीचे अबाउट सेक्शन आता है जो कि समरी कहते हैं। अब समरी में क्या होना चाहिए, तो समरी में अगर आप मेरी समरी देखोगे तो मैं क्या हूँ, मतलब वट आई एम, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को कहाँ हेल्प करता हूँ, किस तरह से हेल्प करता हूँ, कौन से सेक्टर में हेल्प करता हूँ तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट आई हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक गेट, PSCs, कैंपस प्लेसमेंट, रिटन टेस्ट, तो मैंने ऐसा रखा हुआ है। और मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं किस तरह से हेल्प करता हूँ, किस वे में हेल्प करता हूँ, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हेल्प करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस रहता हूँ, जो भी है वो मैंने लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे एज अ कंपनी चला रहा हूँ तो मेरे क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, दो प्रोडक्ट्स है जो कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मैं अपने बारे में ये चीज़ चाहता हूँ। अब आप लोग क्या लिखोगे एज अ जॉब एस्पिरेंट, आप क्या लिखोगे, देखो आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, एक्सपीरियंस का सेक्शन ही पूरा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्किल्स है और आप किस तरह से अपनी कंपनी को हेल्प कर रहे हो, करंटली जॉब कर रहे हो तो आप बता सकते हो, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो अपनी कॉलेज टाइम में या फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ में हेल्प किया था और मैं इस तरह से एक्सपर्ट हूँ पर्टिकुलर डोमेन में। आपने मान लो एंड्रॉयड का बैकएंड संभाला, मतलब प्रोजेक्ट का बैकएंड संभाला था, या फिर फ्रंट एंड में आपने मोबाइल ऐप डेवलप किया था एंड्रॉयड में, तो वो आप बता सकते हो। और एक इसको थोड़ा सा स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट करो शॉर्ट एंड स्वीट वे में, तो ये आपकी समरी होगी। और इसको थोड़ा आपको डिटेल में बोल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम और अच्छा रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आता है ना, इस तरह से रखना है। तो फर्स्ट फेज क्या रहेगा, आप क्या हो, क्या हेल्प करते हो, किस तरह से हेल्प करते हो और ये बेनिफिशियल, और साथ ही साथ छोटा सा इंट्रोडक्शन के वाई, क्यों आप हेल्प करते हो, मतलब क्यों आप इस फील्ड में हो, इसके बारे में छोटा सा आप बता सकते हो। लोगों को पढ़ना पसंद है, कहानी सुनना पसंद है, तो इसको आप कहानी की तरह भी थोड़ा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये कोई बच्चों वाली कहानी नहीं चल रही है। तो अबाउट सेक्शन आपको समझ में आ गया, इस तरह से रखना है, आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, बाकी खुद से थोड़ा बना लीजिए क्योंकि कॉपी करने से अच्छा है खुद का बना लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को यूआरएल जो है उसको रखना। मतलब मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि प्रोफाइल पे क्लिक करते मैंने यहाँ पे व्यू प्रोफाइल किया। सो यहाँ पे मैं व्यू प्रोफाइल वाले सेक्शन पे ही हूँ, आपको व्यू प्रोफाइल करोगे तो यही सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल, तो ये मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी प्रोफाइल में यहाँ पे linkedin.com द अब्दुल सत्तार मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसका रीज़न मुझे यहाँ पे अब्दुल सत्तार के लिए कोई स्पेसिफिक ये भी नहीं मिला था, यूआरएल भी नहीं मिला था, जैसे कि मैं अब्दुल सत्तार से रख रहा हूँ तो मेरे लिए अवेलेबल नहीं था। तो शायद ऐसा हो सकता है डैश रखने पे भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, शायद आप लोगों के लिए अवेलेबल हो तो आप चेक कर लेना, लेकिन मुझे अभी बेस्ट सूटेबल मेरे लिए ये प्रोफाइल लगा। अब ऐसा नहीं सुल्तान मिर्ज़ा ऐसा सब जो यूआरएल रखते हो ना वो आपके प्राइवेट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तक छोड़ के आना, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यूआरएल आपकी बहुत सिंपल एंड शॉर्ट होनी चाहिए, याद रह जाए, जिसको आप अपने रिज्यूमे या सीवी में अटैच कर सको कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ये है। तो बंदा जो है linkedin.com/ करके सीधा आपका यूआरएल लिखेगा, द अब्दुल सत्तार लिखने पे मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सो ये चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। बैकग्राउंड फोटो के बारे में, प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड रिकमेंडेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, लेट्स क्लिक बिग बैक ऑन लिंक्डइन, आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है और इसमें आपको स्किल्स ऐड करने हैं, लाइक आपको क्या क्या आता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फीचर्ड में मैंने अपने चैनल्स रखे हुए हैं क्योंकि ये शायद आपके सेक्शन में ना आता हो, तो इसको हम अगर निकाल दें तो ये आपकी डैशबोर्ड है। और यहाँ आपको एक चीज़ मैं बीच में से आपको बता देता हूँ, ये ऑल स्टार का मतलब क्या होता है पता है? आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, मतलब आपने कोई भी चीज़ अभी बाकी नहीं रखी है, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ है, तो ये आपकी ऑल स्टार आपको बताता है। और ये मेरी चीज़ है, मेरा एजुकेशन है जो मैंने ऐड किया था। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाके अपने बारे में इंट्रो, फिर अगर बात करते हैं तो अबाउट, फिर फीचर्ड, फीचर्ड में मैंने अपना यूट्यूब चैनल लिखा, बैकग्राउंड जिसमें वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लिखी है जिसमें मैंने वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद स्किल्स के बारे में बात करें तो स्किल्स का सेक्शन जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये सेक्शन इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको स्किल्स दिख जाएगी जो आप सारी स्किल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऐड करना चाहते हो, मान लो कि आपकी स्किल यहाँ पे नहीं दिख रही है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट या टेक्निकल रिक्रूटिंग राइटिंग, वैसे टेक्निकल राइटिंग तो नहीं होगा लेकिन टेक्निकल रिक्रूटिंग में भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो। वैसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किए थे, उस हिसाब से लिंक्डइन भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, साइबर, C++, React.js, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो मैंने अपने में टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो प्रोडक्शन, जो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है, तो मैंने रखा हुआ है। इंडस्ट्री नॉलेज में मेरे पास प्रोग्रामिंग का है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मार्केटिंग एंड एजुकेटर, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में मुझे कुछ चीज़ें पता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ध्यान रखना कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपको नहीं आता है वो मत ऐड करना, क्योंकि इससे आपका बैड इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने रखा है और आप उसको दिखा रहे हो और इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं आ रहा है। सो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। सो स्किल्स ऐड करते टाइम, और आपको पता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस सो एंड सो पर्सन हैज़ गिवन एन एंडोर्समेंट फॉर दिस स्किल। एंडोर्समेंट मतलब क्या, कि कोई पर्सन बता रहा है कि यस दिस पर्सन नोज एग्जैक्टली द स्किल, इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है। तो एंडोर्समेंट भी लाना है। अब कैसे लाना है, तो आपका ही फ्रेंड आपको यहाँ पे एंडोर्स करेगा आपकी स्किल को, उसने कहीं पे देखा होगा कि आपकी ये स्किल बहुत अच्छी है तो वो आपको यहाँ पे देगा। तो आपको भी यहाँ पे किसी और को अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको भरोसा है उसकी स्किल्स के ऊपर। सो आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर दे सकते हो इफ़ यू लाइक। सो लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे एंडोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मैंने तो बता ही दिया यूआरएल के बाद द अब्दुल सत्तार इस तरह से भी आप सर्च कर लोगे, ठीक है। सो ये हमारी स्किल्स ऐड करने की बात हो गई, और सेक्शन कोई भी सेक्शन ऐड किस तरह से करते हैं तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, एकम्प्लिशमेंट्स, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। देखो मैं जानता हूँ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस में आप क्या ऐड कर सकते हो, एक्सपीरियंस में आप अपना प्रोजेक्ट अपने जो फाइनल ईयर में डेडिकेटेडली अगर बनाया हुआ है और आपके पास इसका अच्छा खासा नॉलेज है उस पर्टिकुलर डोमेन का, तो ज़रूर से ऐड कर देना, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर से भी कई बार आपकी प्रोफाइल में से आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो एज एक्सपीरियंस
उसमें आपको क्या पूछेगा एज ए एक्सपीरियंस में, आप अगर एक्सपीरियंस का सेक्शन ऐड करने जाओगे सो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको टाइटल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कंपनी और ये सारी चीज़ें ऐड ना कर पाओ, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन ये वाला सेक्शन जो एक्सपीरियंस के अंडर में कहाँ पे आएगा पता है, रिज्यूमे में आएगा, यहाँ पे आप ऐड नहीं कर पाओगे। लेकिन बीच में मुझे याद आया, मैंने बता दिया, फ्रेशर्स अपना एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अपना अबाउट सेक्शन में भी दिखा सकते हो और आपकी स्किल्स में तो वो चीज़ आ ही जाएगी, ठीक है। सो ये अब बात हो गई। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप लिंक्डइन पे तो आ गए हो, आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब कोई भी पर्सन आएगा, वो आपको कॉन्टैक्ट किस तरह से करेगा, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो देखते हो, सो कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करोगे सो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। वेबसाइट अगर है आपका, कोई ब्लॉग है तो वो आ जाएगा। मेरी दो वेबसाइट है तो आपको दिख रही होगी। ईमेल जो मेरा है उसको आप किस तरह से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, पर्सन को ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, यू कैन ऐड। बहुत सारी जगह पे नंबर को ऐड करना कहा जाता है कि अच्छा भी है नहीं भी अच्छा है। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ना ऐड करो, स्पेशली गर्ल्स को नहीं ऐड करना चाहिए, बॉयज़ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ईमेल रखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इंडिया में क्या है, ईमेल्स को चेक नहीं किया जाता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अपना नंबर ऐड कर देना, जो भी पर्सन आपके कनेक्शन में होंगे वही आपका नंबर देख पाएंगे, बाकी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और मैंने अपना नंबर ऐड नहीं किया हुआ है, होप आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर ऐड करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ी, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मेरा ईमेल ऐड है, मेरा बर्थडे ऐड है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इसको एडिट करोगे ना तो आपको यहाँ पे स्काइप का पूछेगा, फिर मैसेंजर में स्काइप का आएगा, ताकि कोई पर्सन को स्काइप पे वीडियो कॉल के थ्रू बात करना हो तो वो आपसे बात कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट इन्फो में आपकी दिख जाएगी, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरे हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हो तो आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और आपके ऑल स्टार्स आ जाएंगे, दैट मीन्स प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं कि अब आप अपना कनेक्शन किस तरह से आगे बढ़ाओगे। सो लेट सपोज हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स है, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैं सर्च करूँगा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर। सो आपने जैसा कि देखा, मैकेनिकल इंजीनियर इन जॉब्स, इन पीपल, इन ग्रुप्स। सो सबसे पहले आपको ग्रुप्स पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, वो सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड है। मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर्स जो कि 5600 मेंबर्स का ग्रुप है, मैन्युफैक्चरिंग डॉट जॉब्स ये भी ग्रुप है, और ये मैकेनिकल इंजीनियर ब्राज़ील। जो भी स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि फॉरेन में किस तरह से जाना है, तो भाई अपने कनेक्शन यहीं से आप बना सकते हो, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अच्छा, ग्रुप में ऐड होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, मान लो कि आपको किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट करना है, आप उस पर्सन को डायरेक्टली तब मैसेज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके कनेक्शन में नहीं हो। तो आप उसकी प्रोफाइल के अंदर ग्रुप्स देख सकते हो जिन ग्रुप्स में वो ऐड है, वो ग्रुप्स आप जब ज्वाइन करोगे ना तब आप उसको मैसेज कर पाओगे। तो ये चीज़ आप खुद ट्राई कर लेना, ये पुराने वर्जन में मैंने देखा था, आप शायद अपडेट होने के बाद ये चीज़ है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सबसे पहले ग्रुप्स तो ज्वाइन कर ही लीजिए और देखिए कि आपकी स्किल्स के हिसाब से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके कनेक्शन में आते हैं, और उनसे आप यहाँ पे मैसेज, उनसे मैसेज पे बात कर सकते हो, या फिर उनकी कनेक्शन में आके आप उनका रिकमेंडेशन भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं, रिकमेंडेशन की बात आई है तो रिकमेंडेशन क्या है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और रिकमेंडेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। सो रिकमेंडेशन क्या है, प्रोफाइल सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फीचर्ड के अंदर, फीचर्ड के अंदर तो नहीं आएगा ये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा रिक्वेस्ट अ रिकमेंडेशन। सो नाउ रिक्वेस्ट अ रिकमेंडेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पूछेगा Who do you want to ask? तो मैं अपने सर, मतलब मेरे प्रोफेसर, एज अ फ्रेशर मैं यही चीज़ करूँगा, मैं अपने प्रोफेसर का नाम सर्च करूँगा, भाविनन पटेल, तो उन वो कौन है, तो भाविनन पटेल मेंटर्ड यू, यस ही टॉट यू, ओके, क्या पोजीशन, जब मैं स्टूडेंट था अपनी कॉलेज में तब, नेक्स्ट यहाँ पे मैं उनसे रिकमेंडेशन के लिए सेंड कर सकता हूँ। तो अगर वो एक्टिव है तो उन वो यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंडेशन में वो एक अच्छा खासा पैराग्राफ लिखेंगे और आपकी प्रोफाइल में वो दिखेगा। इससे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपके सर को कोई जानता है या फिर
आपकी प्रोफाइल में आने वाला पर्सन वो देखेगा कि किसी ने जेन्युइनली रिकमेंड किया हुआ है, रिकमेंड करने वाला पर्सन जो है उसकी प्रोफाइल भी देखी जाएगी। अगर वो अच्छी खासी पोजीशन पे है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते, आपका जो प्रोफाइल है बाकी सब प्रोफाइल से अलग हो सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रिकमेंडेशन का होना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी से रिकमेंडेशन मांगो, जो आपको नहीं जानता है वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा। सो इसके साथ साथ आपको ये आंसर भी मिल गया होगा कि आप अगर मेरे पास से रिकमेंडेशन मांगते हो तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, और नहीं जानता हूँ तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे मेरी भी प्रोफेशनल प्रेजेंस बिगड़ सकती है, क्योंकि जब आपको कोई नहीं जानता है तो वो आपको रिकमेंड क्यों करेगा। सो ये चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस कि अगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसका रीज़न आप समझ सकते हो कि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। आप रिकमेंडेशन इस वीडियो के बाद मांगोगे मुझे पता है, और आप बताओगे अपनी स्किल्स के बारे में, लेकिन वो स्किल्स प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखी है। सो एडवांस में इसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, एंड आई होप आपको मैंने लिंक्डइन के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी है एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब इसके आगे क्वेश्चंस के आप किस तरह से जॉब सर्च करना है वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप अगर चाहते हो कि इसके बारे में एक डिटेल ट्यूटोरियल लिंक्डइन के रिलेटेड बनाओ तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में, उनको बता सकते हो कि यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल में बनाना सिखाया हुआ है। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।